दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वा कल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सबने अभी स्टॉकिंग के लिए अपनी सारी वाटर बॉडीज रेडी कर ली हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं मछली के खाना फीडिंग से रिलेटेड कुछ एकदम की पॉइंट्स, फीडिंग इनसाइट्स कि हमें क्या बात ध्यान रखनी है जब मछली को फीडिंग कराना है। दोस्तों पहला पॉइंट हमें सही ध्यान रखना है कि आपको ओवर फीडिंग तो अवॉइड करनी है लेकिन फीडिंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अगर मछली खाना खा रही है तो उसको खिलाना है, ओवर फीडिंग नहीं करनी। दोनों में अलग अलग अंतर है। ओवर फीडिंग का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी एक टैंक की 10,000 लीटर की है और उसमें आपने 1,000 मछलियां स्टॉक की और आपने खाना खिला दिया 30 किलो, तो दैट इज ओवर फीडिंग। बट अगर आपने उसमें 1 किलो दाना खिलाया है और आपको लग रहा है मछलियों ने वो 2 मिनट में 1 मिनट में कंज्यूम कर लिया है, इट मीन्स अभी फिशेज की ओवर फीड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फीडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसे रोक देंगे, उसे सप्रेस कर देंगे, तो उसकी ग्रोथ पे इंपैक्ट रहेगा। और आप हमेशा फोकस करें कि नंबर ऑफ डेज कल्चर के कितने हैं। अगर आपने 150 दिन का कल्चर करना और आपने उसे 120 दिन पे कर लिया है तो वो आपके लिए ही बढ़िया है। तो इसलिए फीडिंग रेस्ट्रिक्ट ना करें। दूसरा, अगर आप मैनुअल फीडिंग करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्म पे आजकल ऑटोमेटिक फीडर्स भी अवेलेबल है, अगर मैनुअल फीडिंग करा रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाएं। आप ऐसा ना करें कि एक बार ही फीडिंग करा दें। इसीलिए मैं सारे किसान भाइयों से और अपने ट्रेनिंग के सेशन में बोलता हूं, अपने फार्म के आप फ्रीक्वेंट विजिटर बने। उससे क्या रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आपने फीडिंग कितनी बार कराया, आपने कैमरेज जो लगाए उससे आप देख सकते हैं कि आपने कितनी टाइम है आपके लिए बढ़ने फीडिंग कराई है। क्योंकि जैसे कि हम एक बार 10 रोटी नहीं खा सकते, ऐसी मछलियों को आप पूरे दिन का खाना एक टाइम ना दीजिए, आप उसको स्प्लिट कर दीजिए। क्योंकि लेबर का केवल काम खाना ही है, जितनी बार आप उसे स्प्लिट कर देंगे उतना ही मछलियों के लिए वो अच्छा रहेगा। हमेशा अपनी वाटर बॉडी की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी रेस्पेक्ट करें। अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी 1,000 मछलियों की है तो आप 4,000 मछलियां स्टॉक बिल्कुल ना करें। हमेशा दिमाग में ध्यान में ये मंथन ये करें कि जो भी मछलियां आप वहां पे स्टॉक कर रहे हैं क्या उसे इनफ रिसोर्सेज मिलेंगे जीने के लिए। अगर आपकी कैपेसिटी 1,000 आपने 4,000 स्टॉक कर दी तो 100% मोर्टिलिटी होगी और मछली आप कभी भी काउंट में सेल नहीं करते, मछली हमेशा बायोमास पे सेल करते हैं। तो रेस्पेक्ट योर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, जो भी आप जिस पद्धति की भी कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी मछली आप पालन कर रहे हैं विद इन 30 मिनट्स वो फीड कंज्यूम कर ले। अगर वो उससे बहुत ज्यादा ड्यूरेशन लगा रही है तो या तो मछलियां कम है या ओवर फीडिंग आप करा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पूरे कल्चर में, एक्वा कल्चर में फीडिंग कॉस्ट ही एक मेन कॉस्ट है। फीडिंग वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये बड़ा रखना है कि विद इन 30 मिनट्स फीड कंज्यूम कर ले। वो वाला फीड यूज करें आप जो बेस्ट अवेलेबल फीड है आपके एरिया में। वो बहुत सारी कंपनीज, एक कैटेगरीज कंपनीज है जो बेस्ट अवेलेबल फूड है वो आप खिलाएं। जब भी स्टार्टर फीड खिलाएं अपनी मछली को वो हमेशा हाई प्रोटीन दें, क्योंकि जब मेरा सीड स्टॉक छोटा रहता है तो जो भी उसका जो एनर्जी है वो भी उसको प्रोटीन से ही कंज्यूम करनी है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। तो स्टार्टर्स को हाई परसेंटेज प्रोटीन दें उसकी ग्रोथ के लिए, जो अच्छा रहेगा। अगर आपका एफसीआर इंक्रीज हो जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखें कि ये कहीं आपकी हाई स्टॉकिंग डेंसिटी तो नहीं है। ये ऑब्जर्व किया गया है और मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है, जहां पे हाई स्टॉकिंग डेंसिटी रहती है, यहां हम कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा स्टॉक करते हैं, वहां पे एफसीआर भी ज्यादा आता है और हम कहते हैं इस कंपनी का फीड बेकार है। तो दोस्तों जब भी फीडिंग की बात हो, क्योंकि फीडिंग आपकी 70% कॉस्ट है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट की, और फीडिंग में जो प्रोटीन कंटेंट है वो आपका 80% कंट्रीब्यूट प्रोटीन इंग्रेडिएंट करता है। तो इन दो बातों का बड़ा ध्यान रखें फीडिंग के लेके। अगर आपने फीडिंग का मैनेजमेंट, फीडिंग कंट्रोल कर लिया तो एक्वा कल्चर आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड छोटी से छोटी बातें। धन्यवाद।